बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। ये सरकार हटानी है, ये सरकार निकम्मी है, ये भाजपा सरकार, इसकी ईंट से ईंट बजा देंगे हम लोग। हम अंधभक्तों को, भाई साहब इन लोगों ने मतलब क्या समझ रखा है, जिस दिन हम अंधभक्तों ने गोबर खाना छोड़ दिया, ये बीजेपी वालों को पता चल जाएगा हम अंधभक्तों की भावनाओं के साथ ये लोग खेल रहे हैं। बताइए भाई साहब, अगर हम लोग रोए ना तो क्या करें है? हम लोग दिन रात भाई साहब सोशल मीडिया में इधर उधर गली मोहल्ले में है नफरत फैला रहे हैं। मुस्लिमों का नाम आते ही हम लोग एकदम ऐसा मतलब बवाल काट देते हैं, नहीं कोई लफड़ा होता है, कुछ होता है, कोई जुलूस उलूस निकलता है तो हम लोग भाई साहब वो मस्जिद के सामने डीजे में खड़े होकर के नाचते हैं। और हमारे इतने बाबा लोग है ना, वो स्वामी नरसिम्हानंद देखिए, उन्होंने मुसलमानों के बारे में कितना खुला खुला बोला। और कहीं कहीं पर हम लोग जाकर के अंधभक्त लोग हम लोग जाकर के ये बोलते हैं कि मुस्लिमों का बहिष्कार करो, मुसलमानों से सामान मत खरीदो, मुसलमानों पाकिस्तान चले जाओ। एक तरफ भाई साहब हम लोग दिन रात एक किए दे रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ ये भाजपा सरकार महाराष्ट्र में मुसलमानों के ऊपर इतना मेहरबान हो रही है कि मदरसों में, बताइए एक गुना नहीं, दो गुना नहीं, तीन गुना मदरसों में जो लोग पढ़ाते हैं ना ये मुल्ला लोग, उनकी उनकी सैलरी बढ़ा दी, तीन तीन गुना बढ़ा दी। बताइए हम अंधभक्त मतलब गोबर खा के गुजारा कर रहे हैं, और वहां जो है मुल्लों की और मदरसों की तीन तीन गुना ये सैलरी बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा, ये मतलब क्या हो रहा है हम अंधभक्तों के साथ में। और तो और हमको सब जानकारी मिली है कि ये जो है मुसलमानों को कहीं कहीं ये लोग लैपटॉप वैपटॉप भी बांटते हैं, और कुछ IAS IAS की कोचिंग लगती है वहां पे, मुसलमानों को फ्री कोचिंग भी ये लोग दे रहे हैं। और बताइए खुले आप मदरसों में तीन तीन गुना जो है सैलरी बढ़ा दी। हम लोग इधर मतलब नफरत फैलाने में लगे हुए, उधर हमारे देखो हमारे आदर्श हैं, जैसे वो गिरिराज सिंह जो मंत्री हैं है ना, वो आए दिन हिंदू मुस्लिम वो करते रहते हैं। आज भी वो बोल रहे थे कि अगर सारे मुस्लिम पाकिस्तान चले जा, हम लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। वो देखो हमारा जो रमेश बिधुड़ी, उसने जो है पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या बोला है, सब बोला कि नहीं बोला। हम लोग भाई साहब खुश होकर के, और हम लोग गली मोहल्ले में अपने अपने फेसबुक पे ट्विटर व्यूटर पे जो है फर्जी अकाउंट चला चला करके हम लोग भाई साहब कितना गरियाते हैं इन मुसलमानों को, मोहल्ले में गली में नफरत फैलाते हैं, ट्रेन में नफरत फैला रहे हैं, एक दूसरे के अंदर इतनी नफरत भर दी है। और यह सरकार ऊपर से तो ऐसा कहती है कि हम कपड़ों से पहचान लेते हैं, ऊपर से ये भी कहती है कि ये लोग आ गए तो हिंदुओं का ये हो जाएगा। और भाई साहब अंदर ही अंदर ये सरकार मुसलमानों के लिए इतना कर रही है, तीन तीन गुना सैलरी बढ़ा दिया, हम लोगों को भाई साहब कष्ट नहीं होगा। हम लोग फोकट में भाई साहब कभी इसका बायकॉट कर रहे हैं, कभी उसका बायकॉट कर रहे हैं, कभी इसको गरिया रहे हैं, कभी पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं। कोई कुछ भी लिखता है हिंदुओं के बारे में तो हम लोग तुरंत बोलते हैं, हिम्मत है तो मुस्लिम धर्म के ऊपर कुछ बोल के दिखाओ। हम लोग भड़काते हैं ताकि कोई लिख दे तो बाद में हम लोग बवाल काटे, हाँ इसलिए हम बोलते हैं। जैसे ही कोई कोई दूसरी बात भी बोल रहा है तो भी हम लोग यही बोलते हैं, अच्छा इतनी हिम्मत है तो मुस्लिमों के बारे में कुछ बोल करके दिखाओ, उनके धर्म के बारे में बोलो। हम लोग ऐसा बोलते हैं भाई साहब, दिन रात बोलते हैं ये सब। और कहीं अगर धोखे से भी एक कहीं नारा लगा दिया इन लोगों ने तो हम लोग उसको ऐसा मतलब फैलाते हैं कि जैसे दिन रात 24 घंटा मुसलमान लोग सब यही कर रहे हैं। हम लोग ये भी बोलते हैं कि अब वो टाइम आ गया है ना कि अपने अपने घरों में शस्त्र उठा लो, रवि किशन जी ने बोला था ना, हम उन्हीं के अनुयायी हैं भाई है? एक तरफ देखिए मोहन भागवत बोल रहे हैं कि सारे हिंदुओं एक हो जाओ तभी आपकी सुरक्षा होगी, हम लोग इधर ये कर रहे हैं, उधर वो मुसलमानों को तीन तीन गुला मदरसों में मतलब पैसा बांट रहे हैं, लुटा रहे हैं है? चुनाव में इतना पैसा लुटा रहे हैं, और हम लोग सूखा गोबर खा करके जिंदगी गुजार रहे हैं। भाई साहब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आने वाले चुनावों में इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम लोग जो नफरत फैला रहे हैं, हमारे नफरत फैलाने की योजना पे ये जो है कुठाराघात है ये है? हम लोग बगैर नफरत फैलाए रह नहीं सकते। और दूसरी तरफ कल को भाई साहब ये लोग आके चढ़ाएंगे कि सरकार तो हमारे लिए ये कर रही है, है? हम क्या जवाब देंगे भाई साहब, बहुत हमको तकलीफ है यार। हाँ दशहरा हम बोलने आए थे हैप्पी दशहरा, अब सच्चाई बुराई पे सच्चाई की जीत, और ये सच्चाई की जीत है कि मदरसों को तीन तीन गुना ये बढ़ा दिया भाई साहब।
पी दशहरा, क्या हैप्पी दशहरा, दिमाग काम नहीं कर रहा एकदम। ठीक है यार, जाओ यार हैप्पी दशहरा, हाँ देख लेंगे, हम लोग नफरत फैलाना छोड़ेंगे नहीं मुसलमानों के खिलाफ, कहीं ना कहीं कोई नई चीज निकालेंगे। हाँ देखना, बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।